धारा 115 BAC आयकर अधिनियम 1961 की नव सम्मिलित धारा 115 BAC में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति एक व्यक्ति या अविभाजित परिवार से होने के नाते जो अपने व्यवसाय या पेशे से प्राप्त आय के अलावा भी अन्य किसी साधन से आय अर्जित करता हो वह प्रत्येक वर्ष के लिए इस धारा के तहत खुद पर कर लगाने का विकल्प और इस अधिनियम की धारा 139 की उपधारा फर्स्ट के तहत उसकी आय की वापसी होगी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 BAC रियायती दर का प्रावधान है, लेकिन यह इस शर्त के अधीन है कि कुल आय की गणना निर्दिष्ट छूट या कटौती, नुकसान की भरपाई और अतिरिक्त मूल्य ह्रास के बिना की जाएगी। हालांकि यह पॉइंट स्पष्ट नहीं था कि कर की कटौती के समय इस अधिनियम की धारा 115 BAC के प्रावधानों पर विचार किया जाना है या नहीं। स्रोत TDS में कटौती किए जाने के बारे में ही कई चिंताएं या शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें यह कहा गया था कि कटौतीकर्ता एक नियोक्ता होने के नाते यह नहीं जानता होगा कि क्या कोई व्यक्ति उसका एक कर्मचारी होने के नाते इस अधिनियम की धारा 115 BAC के तहत कराधान का चयन करेगा या नहीं। चूँकि रिटर्न दाखिल करते समय इस विकल्प का उपयोग किया जाना आवश्यक है, इसलिए ऐसे मामलों में भ्रम और कठिनाई से बचने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उक्त अधिनियम की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए हैं। एक कर्मचारी जिसके पास व्यवसाय या पेशे से प्राप्त आय और लाभ के तहत मिलने वाली आय के अलावा भी अन्य स्रोत से आए हैं और अधिनियम की धारा 115 BAC के तहत रियायती दर का विकल्प चुनना चाहता इरादा है, ऐसा कर्मचारी प्रत्येक पिछले वर्ष के लिए कटौतीकर्ता को अपने इस इरादे की जानकारी दे सकता है। कटौतीकर्ता नियोक्ता होने के नाते अपनी कुल आय की गणना करेगा और अधिनियम की धारा 115 BAC के प्रावधानों के अनुसार उस आय पर TDS स्रोत पर कर कटौती भरेगा। अगर कर्मचारी इस तरह की सूचना देने में विफल रहता है तो नियोक्ता अधिनियम की धारा 115 BAC के प्रावधान पर विचार किए बिना TDS तैयार करेगा। इसके अलावा कर्मचारी द्वारा कटौतीकर्ता को दी गई सूचना केवल पिछले वर्ष के दौरान TDS के प्रयोजनों के लिए होगी, जो उस वर्ष के दौरान संशोधित नहीं की जा सकती है। हालांकि यह सूचना अधिनियम की धारा 115 BAC की उपधारा 5 के संदर्भ में इस विकल्प का उपयोग करने के लिए नहीं होगी और ऐसे व्यक्ति को पिछले वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा 1 के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न को देने के लिए ऐसा करना आवश्यक होगा। इस प्रकार अधिनियम की धारा 139 की उपधारा 1 के तहत आय की वापसी के समय यह विकल्प ऐसे कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को पिछले वर्ष के लिए दी गई सूचना से अलग हो सकता है। ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में जिसके पास व्यवसाय या पेशे से प्राप्त आय और लाभ के तहत आय है, इस अधिनियम की धारा 115 BAC के तहत कराधान का वह विकल्प जो पिछले वर्ष के लिए आयकर की वापसी के दाखिल के समय एक बार प्रयोग किया जाता है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर बाद के वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 139 की उपधारा 1 के तहत बदला नहीं जा सकता। नोट: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस संशोधन के साथ उपयुक्त स्पष्टीकरण ऐसे व्यक्ति के लिए लागू होगा जो कि धारा 115 BAC के तहत अपने मामले में नियोक्ता को सूचना देने के बाद अधिनियम के इस विकल्प को एक बार उपयोग करने के बाद आने वाले वर्षों के लिए नहीं छोड़ेगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।